गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपको रिवीजन वर्क करवाएंगे। लैंग्वेज में आपका कोर्स सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो बच्चों, आपका चैप्टर है कारक। ओके, तो सबसे पहले हम ये बताते हैं कारक किसे कहते हैं। आपने जैसे कोई भी हिंदी की बुक रीड करते हो या हिंदी लिखते हो, तो उसमें जैसे आता है राम ने श्याम से कहा, या इस तरह के जो बीच में वर्ड्स आते हैं, का की के से पर में के लिए, ये जो शब्द बीच में जुड़ते हैं ये कारक कहलाते हैं। ठीक है, तो ये 8 प्रकार के होते हैं। और अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। कारक किसे कहते हैं? क्रिया से संबंध रखने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। अभी मैंने आप बताया था आपको राम ने श्याम से कहा, तो इसमें क्रिया है कहा। किससे कहा, किसने कहा, तो वो जो बीच में वर्ड है राम ने आया, फिर से, ये दोनों कारक हैं। तो आंसर है आपका क्रिया से संबंध रखने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। ओके, सेकंड है कारक कितने प्रकार के होते हैं। अभी आपको बताया था कारक 8 प्रकार के होते हैं, तो आंसर आपका है कारक 8 प्रकार के होते हैं। बच्चों, ये आपके दो कारक चैप्टर के 2 क्वेश्चन हैं चैप्टर 7 के। ये आपको रिवीजन में करने हैं और कॉपी में आपको करवा चुकी हूँ। अगर आपका चैप्टर कंप्लीट नहीं है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉल मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। और होमवर्क में आपको बच्चों यही लर्न करना है। थैंक यू।